या ठिकाणी प्लेयर आल्याशिवाय मॅच स्टार्ट होणार नाही आहे बरं का। मैच के लिए शुरुआत, पहली गेंद, पहला चेंडू या मैच का सेमीफाइनल का, पहला चेंडू ते आलेली सिंगल धाव सामन्याला सुरुआत, एक सिंगल रनर सोबत इथे सामन्याला सुरुआत दे। स्ट्राइकिंग एंड वरती असेल सचिन, नॉन स्ट्राइकिंग एंड वरती असेल सागर। कमलेश लोधा गोलंदाजी मार्क सज्ज होता है सेमीफाइनल ची मैच। फुल टॉस चेंडू कवर मध्य हल्के हाथ खेल का एक सिंगल रन, पुनः एक सिंगल सिंगल रन ने स्कोरबोर्ड मात्र पुढ़ सरकत। एकदा लोअर फुल टॉस चेंडू एक सिंगल रन, सचिन यावेळेस मात्र ऑन साइडला चेंडू खेळला, क्षेत्ररक्षक फार दूरवर न चेंडूपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आणि पहिला चौका या इनिंगचा, सात धावा धावफलकाती, पहिला चौका इस इनिंग का सचिन के बैट से आता हुआ, बेहतरीन स्ट्रोक था सचिन द्वारा। सात रन अब स्कोरबोर्ड पे बन चुके, पांच गेंदों में बनाए गए ये सात रन। सचिन जैन और सागर उसवाल मैदान में खेलते हुए। कमलेश लोरा फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए, दस ओवर का ये मैच, पहला ओवर चलते हुए सात रन अब तक स्कोरबोर्ड पे बन चुके। सामने की तरफ खेला बेहतरीन शॉट, नो चांस फॉर फील्डर, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, बैक टू बैक का दूसरा चौका सचिन जैन के बैट से।
15 रन स्कोरबोर्ड पे अब तक बन चुके हैं। अपील वहां पे लेकिन नॉट आउट। अच्छी गेंद वहां पे, मिड विकेट में फील्डर मौजूद है। एक सिंगल रन के साथ स्कोरबोर्ड फिर से एक बार आगे बढ़ते हुए 16 रन। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस, आखिरी गेंद होगी सेकेंड ओवर की। मंदार मनियार काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। इस बार डांसिंग डाउन विकेट खेलने का प्रयास था, कवर में खेला बेहतरीन शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, रन मिलेंगे 4। दोन ओवरच्या समाप्तीनंतर 20 धावा धावपळीवरती पूर्ण होता है, 20 रन ऑन स्कोरबोर्ड। अब गेंदबाजी के लिए आ रहे रोहन चाणक्यश्वरा। गेंदबाजी के लिए रोहन, देखते हैं कितनी अच्छी गेंदबाजी कर पाते। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच है, पिछले मैच में काफी बढ़िया खेला था रोहन ने। अब सामने हो गए स्पायरो हार्डवेयर। एस्प्रो हार्डवेयर टीम देखते किस तरह से बैटिंग अब मैदान में करेंगे। पहली गेंद सामने की तरफ खेला, बेहतरीन शॉट, फील्डर काफी दूर, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, रन मिलेंगे 6। सिक्सर पहले 3 ओवर पावर प्ले के हो गए, इस बार बैटिंग पावर प्ले कोई नहीं होगा। 3 ओवर पहले जो पावर प्ले के उसमें ज्यादा रन बनाने की कोशिश बल्लेबाज करते रहेंगे। शॉट वहां पे सागर द्वारा, इस बार ऑन साइड पे खेल दिया फील्डर, गेंद के पीछे भागते, रेस लगी है गेंद और फील्डर के बीच, फील्डर ने रेस को जीत लिया, गेंद को रोक दिया, 2 रन का इजाफा इस दौरान। यस, एक बैटिंग पावर प्ले भी है, मतलब 3 ओवर पहले कंपलसरी पावर प्ले और उसके बाद 6 ओवर के बाद बैटिंग पावर प्ले आप कभी भी ले सकते हो। 6 ओवर के बाद 10 ओवर तक, 10वां ओवर आपको पावर प्ले लेना ही पड़ेगा। अगर पहले कहीं पे पावर प्ले नहीं ले रहे हो तो फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक वहां पे, फील्डर काफी दूर, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, रन मिलेंगे 4। चार रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ते हैं 32। अब इस मैच में अगर स्कोर कार्ड देखा जाए तो स्कोर कार्ड आगे बढ़ते हुए काफी तेजी के साथ स्कोरबोर्ड का चला रहे दोनों बल्लेबाज। सागर और सचिन की जोड़ी मैदान में काफी बढ़िया बैटिंग करते हुए। रोहन गेंदबाजी करते हुए, इस बार ये वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन स्कोरबोर्ड पे जुड़ता हुआ। 10 ओवर का मैच, सेमीफाइनल का ये मैच, जो जीतेगा फाइनल में प्रवेश करेगा, जो हारेगा उसे इस साल इस चैंपियन ट्रॉफी से दूर रहना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी रोहन द्वारा, फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने में कामयाब, कोई रन नहीं, डॉट बॉल 33 रन अब स्कोरबोर्ड पर पूरे हो चुके हैं। 2.4 गेंदों का खेल यहाँ पे पूरा हुआ है, 33 रन अब स्कोरबोर्ड पे बने हुए हैं। अच्छा शॉट वहां पे, फील्डर को चकमा देते हुए गेंद पीछे निकल गई, बैकअप अच्छा था,
एक सिंगल रन, केवल एक सिंगल रन। थर्टी फोर रन अब स्कोरबोर्ड पे अब तक बन चुके हैं। अभी भी देखा जाए तो एक गेंद थर्ड ओवर की बाकी है। इस बार आगे आके खेलना चाहते थे। व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोरबोर्ड फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं। इस इनिंग में देखे जाए तो एक्स्ट्रा रन काफी आ चुके हैं अब तक। इन एक्स्ट्रा रनों को रोकना भी जरूरी है। 35 रन अब तक स्कोरबोर्ड पे बन चुके हैं। फिर से एक बार वाइट बॉल। इस ओवर में देखा जाए तो 16 रन खर्च कर चुके हैं पांच गेंदों में। काफी महंगे साबित हो रहे हैं रोहन इस ओवर से। अच्छी गेंद रोहन की बैकफुट पे जाके एक सिंगल रन के लिए खेल दिया एक गेंद को और एक सिंगल रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ते हुए 37 तीन ओवर के बाद 37। और पावर प्ले के ये तीन ओवर यहाँ पे खत्म होते हैं। इस तीन ओवर में आए 37, कोई विकेट का नुकसान अब तक हुआ नहीं है। तीन ओवर च्या समाप्ति नंतर 37 धावा या धावल का होती आतापर्यंत बनवलं घेतात। एक चांगली बॅटिंग या तीन ओवर मध्ये प्रो हार्डवेअर टीम कडनं नक्की पाहायला मिळाली। 40 मिनट का टाइम है फील्डिंग टीम। 40 मिनट में आपको 10 ओवर पूरे करने होंगे। अब गेंदबाजी के लिए आए गौरव। टीम पाड़ा वॉरियर्स के गौरव अब गेंदबाजी के लिए, देखते कैसी गेंदबाजी करेंगे गौरव। पहली गेंद हवा में खेल दिया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पे, एक सिंगल रन, एक सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए 38। सागर और सचिन बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेंदबाजों ने अब फील्डिंग जब फैलाई है तो रनों को रोकने की कोशिश भी यहाँ पे होती रहेगी। शॉट वहां पे देखा फील्डर काफी वाइड खड़े और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। 4 रन देखे देखा ऋषभ काफी वाइल्ड खड़े थे लॉन्ग ऑफ में तो पूरी तरह से गैप थी तो गैप में से गेंद को खेलते हुए सागर ने 4 रन वसूल किए। विकेट से फिर से एक बार गेंदबाज रोहन फाइन लेग की दिशा में खेल दिया गेंद को, फील्डर काफी दूर है, पहुंच पाएंगे या नहीं पता नहीं। गेंद काफी स्लो थी तब तक 3 रन यहां पे बना चुके हैं दोनों बल्लेबाज अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ। ये 3 रन स्कोरबोर्ड पे बन चुके हैं 45 रन ऑन स्कोरबोर्ड। स्टेप आउट होके खेलने की कोशिश सामने की तरफ खेला गया था एक गेंद को, ऋषभ फिर से एक बार गेंद के पास पहुंच चुके, केवल एक सिंगल रन और एक सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड में तब्दीली 46। 10 ओवर का मैच अगर देखा जाए तो 110-111 रन भी इस मैदान में बन चुके 8 ओवर में। अब मैच 10 ओवर का होगा
तो कम से कम 120 प्लस रन होने जरूरी है। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया था, दूसरे रन की कोशिश रोका वहां पे, केवल एक सिंगल रन। सचिन इस बार आगे की खेलने की कोशिश थी, मिड विकेट में गेंद, लॉन्ग ऑन फील्डर ने उस गेंद को रोका, एक सिंगल रन। इस मैच में अगर देखे जाए तो सिंगल सिंगल रनों पे ज्यादा रन यहां पे बन रहे, 48 रन चार ओवर के बाद 48। चला फास्ट खेळा थोडं मित्रांनो, वेळ वाचवा। बॉलर्स नेम महेंद्र, महेंद्र बोत्रा। नहीं, गेंदबाज गेंदबाज के लिए आ रहे। स्ट्राइकिंग एंड पर है सचिन, 48 रन चार ओवर के बाद बने 48। अभी भी 6 ओवर का खेल बाकी है। एक अच्छा स्कोरबोर्ड यहाँ पे अब तक तो बन चुका है। इस प्रो हार्डवेयर काफी अच्छी तरह से बैटिंग करते हुए 4 ओवर में 48 रन, तकरीबन 12 की औसत से अब तक रन बना चुके हैं। अभी भी इसी औसत के साथ खेलते रहे तो 120 स्कोर इस टू मैच में कर सकते और उसी का प्रयास यहां पे होगा सचिन और सागर द्वारा। जस्ट शॉर्ट लॉन्ग ऑफ में खेला गया, शॉर्ट था ऋषभ, वहां पे गेंद को रोकने का प्रयास, केवल एक सिंगल रन। महेंद्र अपनी पहली ओवर से अच्छी गेंदबाजी करते हुए, हवा में गेंद, गेंद जा रही, वन बाउंस, बाउंड्री के बाहर, रन मिलेंगे 4। अब स्ट्राइकिंग गेंद पर है सचिन, 54 रन, क्या शॉट वहां पे, गैप में खेलने की कोशिश थी, अच्छी फील्डिंग अनूप द्वारा, अच्छी फील्डिंग, गेंद को रोकने में कामयाब हो गए, 2 रन नहीं रोक पाएंगे। 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ते हैं, 56, अब तक 56 रन स्कोरबोर्ड पे अब तक बन चुके हैं। बैटिंग वहां पे एक रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ते हैं। दोनों बल्लेबाज काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे, जो गेंदे आसान होती है उस पर बड़े रन बना रहे, जो गेंद मुश्किल होती है उस पर सिंगल डबल लेने का प्रयास। फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस, आखिरी गेंद होगी इस पांचवी ओवर की, 57 रन।
हो अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद, डॉट बॉल, कोई रन नहीं। 5 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पे बने 57। इस ओवर में अब तक देखा जाए तो केवल 8 रन इस ओवर में खर्च हुए। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर से महेंद्र द्वारा। गेंदबाजी के लिए गौरव, गौरव आते ही गौरव का स्वागत किया बड़े हिट के साथ। गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर, रन मिलेंगे 6 सिक्सर। सचिन की काफी बढ़िया बैटिंग, 30 रन पे बैटिंग कर रहे सचिन, सागर 29 रनों पे। दोनों बल्लेबाजों ने एक ने 15 गेंदे यूज की, एक ने 16। काफी अच्छी बैटिंग दोनों के बैट से निकलते हुए रन, 63 रन अब तक स्कोरबोर्ड पे बन चुके। एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे पनपती हुई। गौरव पहली गेंद में 6 रन खर्च कर चुके। अब देखते इस ओवर का आगाज तो काफी अच्छा हो चुका है, अंजाम क्या होगा। सिक्सटी थ्री रन, इस बार मिस टाइम स्ट्रो, गेंद हवा में, ऋषभ डाउन दी बॉल, ओ हो, कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा क्योंकि कैच इंपॉर्टेंट था। जिस तरह से सचिन बैटिंग कर रहे, सचिन का कैच ऋषभ ने छोड़ दिया है। 2 रन यहाँ पे पूरे हुए, 65 रन। सचिन 32 रनों पे बैटिंग कर दे, 30 रनों पे छूटा हुआ है कैच। अब देखते सचिन कितने रन यहाँ से बनाएंगे। कैच छूटने के बाद बल्लेबाज एक अलग ही मोड पे, अलग ही अंदाज में बैटिंग करता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, अब पाने के लिए बहुत कुछ है। देखते हैं यहाँ से आगे सचिन की बैटिंग कैसे रन बनाएगी। शॉट वहां पे सचिन द्वारा, इस बार एक सिंगल रन, 66 रन ऑन स्कोर बोर्ड। फुल टॉस, अच्छी फील्डिंग रोहन द्वारा, 4 रन अपनी टीम के लिए रोकने की कोशिश थी, केवल एक सिंगल रन यहाँ पे खर्च हुआ। 3 रन रोहन ने इस फील्डिंग के साथ बचाए अपनी टीम के लिए, 67 रन। 2 गेंदे इस ओवर की बाकी है। गौरव इस ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, 10 रन अब तक खर्च कर चुके। अभी भी 2 गेंदे इस ओवर से बाकी है। ये बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद ने शरारत की, हरकत की, रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल, कोई रन नहीं इस गेंद के साथ, 67 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, आगे आके खेलने की कोशिश थी, कोई रन नहीं। एक बार डॉट बॉल,
छह ओवर के बाद 67 रन। अब यहाँ से आगे जो चार ओवर आने वाले उसमें से एक ओवर में आप बैटिंग पावर प्ले ले सकते हो। 67 रन अब तक स्कोरबोर्ड पे बन चुके हैं। पहले दो बल्लेबाज मैदान में अभी तक मौजूद, कोई विकेट अब तक गवाया नहीं है। पाड़ा वॉरियर्स इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खेल पाड़ा वॉरियर्स ने किया, एक भी मैच उन्होंने गवाया नहीं है। कंसिस्टेंटली चारों मैच पाड़ा वॉरियर्स ने जीते, इस मैच को जीत के फाइनल में जाने का प्रयास पाड़ा वॉरियर्स का होगा। लेकिन इस बार सामने अगर देखा जाए तो एक अच्छी टीम स्पायरो हार्डवेयर, ये टीम मैदान में। अब बैटिंग पावर प्ले होगा, इस ओवर से बैटिंग पावर लिखा पावर प्ले का कितना फायदा लेंगे सागर और गौरव। गेंदबाज के लिए कमलेश, बैटिंग पावर प्ले का ही ओवर, सचिन और वहां पे गेंद हवा में पकड़ेंगे कैच, अनूप ने पकड़ा बेहतरीन कैच, पहले ही ओवर पहले ही गेंद पे विकेट। अनुप ने पकड़ा बेहतरीन कैच, पहले विकेट सागर इस बार चलते बने। 67 रन 67 धावा धावफलकावरती पूर्ण होता है, पहला फलंदाज इथे बाद झाला। ओहो करण साठी टाकलेला चेंडू वेगवान होता, डॉट बॉल या ठिकाणी, तो निर्धाव चेंडू। फटका जोरदार दुवादार, चेंडू जातो सीमा रेषा पार, षटकार साधावा। त्र्याहत्तर धावा धाव फलकावरती पूर्ण होता है, 73। एकदा जोरदार फटका, फिल्डर तिथे खूप दूर, तोपर्यंत एक सिंगल धाव। सातवं षटक प्रगतीपथावर असताना 74 धावे धावफलकावरती आतापर्यंत पूर्ण होतात।
चांगला शॉट तिथे फिल्डरला बीट केलं आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर चौकार। ऋषभ मला वाटतं तिथे फिल्डिंग करतायत आणि ऋषभकडनं आज बरेचसे चेंडू मिस झाले। एक कॅच देखील ऋषभकडनं सुटला, चौकार देखील अगदी ऋषभच्या जवळ न गेले। आज अगदी पाहिलं तर सेमीफायनलची मॅच आणि या सेमीफायनलच्या मॅचमध्ये चेंडू ऋषभच्या प्रेमात पडला आहे की काय, कारण जिथे ऋषभ थांबतात तिथे चेंडू खेळले जात आहेत आणि ऋषभ मात्र वारंवार ते चेंडू मिस करतायत आणि एक्स्ट्रा धावा खर्च करतायत। फिर से एक बार ऋषभ के पास कोई मौका नहीं, गेंद इस बार बहुत जा रही बाउंड्री के बाहर, रन मिलेंगे चार। ऋषभच्या डोक्यावर न खेळलेला सुंदर फटका आणि पुन्हा एकदा चौकार। 82 धावा धावपळकरती पूर्ण होता, 82 रन ऑन स्कोरबोर्ड इस ओवर से आए 15 रन पावर प्ले का ये ओवर था। पहले गेंद पे विकेट आई थी, उसके बाद 5 गेंदों में 15 रन। 82 धावा धावपळकरती पूर्ण होता है, 7 ओवरच्या समाप्तीनंतर 82 धावा। पहिला चेंडू मात्र बिर काउन दिला सीमारेषा पार, षटकार। महेंद्र गोलंदाजी मार्कर पहिला चेंडू होती, महेंद्रचं स्वागत केलं करणने, खूप दूरवरचा षटकार करणच्या बॅटमधून। 88 धावा धावपळ कधी 88 रन। पुन्हा एकदा फुल टॉस चेंडू, स्क्वेअर लेग मधनं चेंडू खेळला, चेंडू जातोय सीमारेषा पार, चौकार, 4 धावा। नाइन्टी नाइन रन अब तो स्कोरबोर्ड पे बन चुके। सामने की तरफ खेला स्ट्रोक था एक सिंगल के साथ, दूसरे रन का प्रयास सचिन द्वारा लेकिन एक रन पे रोका वहां पे, और एक रन के साथ टीम के 100 रन पूरे हुए 8 ओवर के बाद। 100 रन
आठ ओवरच्या समाप्तीनंतर 100 धावा धावपळकावती पूर्ण झाल्या. अजूनही 12 चेंडूचा खेळ मात्र शिल्लक असेल आणि 100 धावा या धावपळकावती लावल्या देखील गेल्या. चांगली सुरुवात हार्डवेअर टीमची, नक्की एक चांगली सुरुवात पाहायला मिळते. मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल होताना पाहायला मिळते. सेमीफायनलची मॅच थरारक सामना. फटका जोरदार चेंडू भिर काउन दिला सी मारे शापार षटकार साधावा. करण फिर से एक बार स्ट्राइकिंग गेंद पर, फिर से एक बार बड़ा हिट करने की कोशिश. वहां पे फील्डर गौरव देखते रहेंगे. गेंद जा रही है बॉर्डर के बाहर और एक बिग हिट 6 रन. बैटिंग फिर से एक बार ऑन साइड पे खेला गया. इस गेंद को एक सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ते हुए 113 रन. इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर 113 रन अब तक बन चुका है. ओके, 116 का हाईएस्ट था, अभी भी बाकी है जो रिकॉर्ड टूटना एक सिंगल के साथ. रोहन फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए, करण फिर से एक बार स्ट्राइकिंग गेंद पर हो गए. अब तक का ये जो स्कोर है इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर. फिर से एक बार हवा में गेंद, फील्डर काफी दूर से गेंद तक पहुंचने का प्रयास. चिप फील्डिंग वहां पे और नो बॉल, अंपायर द्वारा इशारा नो बॉल. अब होगा फ्री हिट रोहन के लिए. फ्री हिट फुल टॉस और यहां पे मिस कर बैठे करण, काफी नाराज हो गए. फुल टॉस गेंद थी, रन नहीं बना पाए इस गेंद पे. डॉट बॉल इस बार हवा में गेंद, चांस बन सकता है वहां पे. गौरव काफी दूर से गेंद के पास पहुंचे, फिर से एक बार कैच छूटा. इस बार करण फिर से एक बार जाल में फंसे थे लेकिन गौरव के हाथ से छूटा हुआ कैच.
118 रन स्कोरबोर्ड पे बन चुके, अभी भी एक ओवर का खेल बाकी है। 118 रन अब तक बन चुके हैं, अब देखते आने वाली 6 गेंदों में कितने रन यहां पे बना पाएंगे टीम हार्डवेयर। सिंगल रन के साथ इस ओवर की शुरुआत, व्हाइट बॉल प्लस सिंगल रन। ट्वेंटी रन ऑन स्कोरबोर्ड, 120 रन बन चुके हैं। सचिन इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी और इस बार सचिन कैच आउट। थैंक यू भैया। बंटी के ढोल मैदान में आ चुके, अब मैदान में बल्लेबाज गेंदबाजों को बजाएंगे, बाहर बंटी भाई अपने ढोल को बजाएंगे। काफी रंगारंग ये माहौल होने वाला है, अब बजेंगे नगाड़े बजेंगे ढोल। नए बल्लेबाज मैदान में आ चुके, अब ओके बॉलर चेंज हो रहे। मुझे लगता है मंदार मनियार पैरों में कुछ चोट की वजह से गेंदबाज बदल दिए जाएंगे, विकेट लेके अपनी गेंदबाजी को खत्म करें मंदार मनियार। चलो फील्डिंग के लिए आ जाए एक्स्ट्रा प्लेयर। लिगामेंट के इंजरी के साथ गेंदबाजी करते हुए मंदार थोड़े से चोटिल हुए, उसके बाद आप आए हैं मैदान में बॉबी गुप्ता। काफी फैन है इस मैदान में बॉबी गुप्ता जी के, एक बार बॉबी गुप्ता इस मैदान में। 120 रन अभी भी देखे जाए तो 5 गेंदे बाकी इस ओवर से, अब बची 5 गेंदे पूरी करने के लिए आएंगे सचिन शाह। स्ट्राइकिंग एंड पे हो गए निखिल जैन। सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ते हुए 121, 4 गेंदे बाकी इस इनिंग की। ओहो अच्छी गेंद थी वहां पे, फील्डर गेंद को रोकने का प्रयास। गेंद इस बार संपर्क सही नहीं था लेकिन रन लेने में कामयाब हुए बल्लेबाज। व्हाइट बॉल और एक स्ट्राइक सिंगल रन, मतलब 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ते हुए। सचिन गेंदबाजी करते हुए
व्हाइट बॉल थी और एक स्टार रन भी यहाँ पे बनता हुआ, स्ट्राइक भी रोटेट होती हुई। अब स्ट्राइकिंग एट पे हो गए करण, रन लेने का प्रयास एक सिंगल के साथ, स्कोर आगे बढ़ते हुए एक 22 के दौरान एक सिंगल रन 125। आखिरी दो गेंदे बाकी इस ओवर की, चार शॉट वहां पे, गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर, चार रन। गेंद हवा में खेला है, शॉर्ट ऑफ फील्डर वहां पे रोहन, कैच छूटा रोहन के हाथों से और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, चार रन। चार रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ते 133 रन बन चुके, 134 रन टारगेट, 134 रनों का टारगेट यहाँ पे पाड़ा वॉरियर्स के सामने होगा। अगली इनिंग में देखेंगे 134 रन किस तरह से बनाए जाएंगे।
थांबू का? फटका जोरदार कवर मध्ये चेंडू खेळला, चेंडू सीमा पार चौकार। थैंक यू अंपायर, एक मिनट मैच थांबवा। थैंक यू अंपायर, अंपायर एक मिनट मैच थांबवा। क्रिक हीरोज का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट मैच रोक दीजिए। तोपर्यंत पानी घेऊन जा आत मध्ये ब्रेक, तोपर्यंत पानी घेऊन गेला तरी चाल फिल्डर। क्रिक हीरोज का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तोपर्यंत अंपायर ला सुद्धा पानी द्या। चला चालू करा लेट प्ले। स्कोरबोर्ड पे रन पूरे है 5। पाच धावा धाव पलक होती, पहिले दोन चेंडू मध्ये आलेले आहे पाच धावा। पुढचा चेंडू यावेळेस मात्र चांगला चेंडू होता, एक सिंगल रन। सागर ओसवाल चांगली गोलंदाजी करतात। शॉट वहां पे एक सिंगल रन लेने का प्रयास। बॉलर्स नेम का है सागर का सनी, सनी ओसवाल ना। सागर पावर प्ले के बाद आएंगे। इस बार भी अच्छी गेंद थी, एक सिंगल रन। ओहो यहाँ पे रन आउट का मौका था, चुके इसके साथ एक रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ते हैं 9 रन। पहले ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पे बने रन 9 रन ऑन स्कोरबोर्ड।
चला सीएमडीए लायंस वर्सेस आउन स्टार, दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए आना है, दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए आना है, अपनी प्लेइंग 11 लेके साथ में लेके आनी है। आउन स्टार कैप्टन आउन स्टार टॉस साठी यायचंय, आउन स्टार के कैप्टन टॉस के लिए आने, हवाई फायर, फील्डर वहां पे मौजूद है, पकड़ेंगे कैच, पहला झटका, पहला बल्लेबाज यहां पे आउट। अनुप इस बार आउट, अब नए बल्लेबाज गौरव मैदान में आते हुए। मंदार इस बार आउट होके बाहर आ रहे, बड़ी विकेट, बिग बैटर गॉन, मंदार काफी जल्दी आउट हो चुके, एक बड़ा झटका टीम पाड़ा वॉरियर्स के लिए। सिंगल रन यहां पे बनते हुए, लेकिन 22 के चलते सिंगल रन। सिंगल रन फिर से एक बार, जब तक रोहन मैदान में है जीत की उम्मीद कायम है। 11 रन अब तक स्कोरबोर्ड पे बन चुके, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, 50 गेंदों में कम से कम 123 रन अभी भी बनाने बाकी है। काफी तेज गेंद थी, काफी तेज गेंद, नितेश ओसवाल काफी तेज गेंदबाजी करते हैं, ये गेंद डॉट बॉल, नेक्स्ट मैच आउन स्टार्स वर्सेस सीएमडीए लायंस, दोनों टीम के बीच ये नेक्स्ट मैच होने वाला है, सेमीफाइनल टू, दोनों टीम कैप्टन से अनिरोध है अपने प्लेइंग लिस्ट यहाँ पे लानी है और टॉस के लिए आना है दोनों टीम कैप्टन। दौर के बाद स्कोर बोर्ड पे 11 रन,
अपील वहां पे, लेकिन देखते हैं दोनों अंपायर के बीच कुछ बातचीत होगी, इसके बाद डिसीजन आएगा। और इसी के साथ अंपायर डिसीजन, बैट्समैन आउट। चलो कैप्टन टॉस के लिए आना है। यस, सीएमडीए की कैप्टन वहीं पे है, ऑन स्टार्स के कैप्टन भी आ रहे हैं, टॉस होगा। बॉलर्स नेम, 3 ओवर के बाद 3 बल्लेबाज आउट, 12 रन। तेरह रन स्कोरबोर्ड पे अब तक बन चुके हैं, 3 पॉइंट, 1 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 13 रन देखा जाए तो पाढ़ा वॉरियर्स थोड़ी दुविधा में नजर आ रही इस समय। चिक गेंदबाजी, इस बार फिर से एक बार सिंगल रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ते हुए। मजे दोनों बल्लेबाज डगआउट में पहुंच चुके हैं, मंदार और रोहन, दो बिग विकेट थे वो गॉन हो चुके हैं। टॉस वहां पे होने जा रहा है, गेंद इस बार अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल, 1 रन। टॉस, दो गेंद यहां पे अब तक पूरी हो चुकी है। तीसरी गेंद फिर से एक बार ऑन साइड पे खेला गया, गेंद को 1 सिंगल रन, दूसरे रन का कोई मौका नहीं। टॉस यहां पे होना है, कैमरामैन दादा, कैमरामैन दादा टॉस के लिए कैमरा वहां पे ले जाना है। सेमीफाइनल नंबर 2 का ये टॉस, चला गया था, कैमरा पुड़ गया, स्विच इट खेलने का प्रयास था, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। सोलह रन, सीएमडीए टीम ने टॉस जीता और बैटिंग का डिसीजन लिया है। उन स्टार्स को फील्डिंग के न्योता यहां पे दिया गया है। 17 रन अब तक स्कोरबोर्ड पे बन चुके हैं, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। महेंद्र आणि गौरव ही जोड़ी मैदानामध्ये, फुल टॉस, हवा में गेंद, फील्डर
करण काफी दूर थे वहां से, और यहाँ पे दूसरे रन का प्रयास पूरा होता हुआ। बीस रन, 20 रन चार ओवर के बाद, 20। चार ओवर 20 धावा, 36 चेंडू, 114 धावांची गरज। बॉलर्स नेम सागर। छत्तीस गेंद में बनाने 114 रन। चला फास्ट खेला मित्रों, मैच चालू करून घ्या लवकर। शॉर्ट पिच गेंद, स्क्वायर लेग में खेला गया, बेहतरीन शॉर्ट फील्डर गेंद के पीछे दूसरे रन का प्रयास, और यहाँ पे दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए अच्छी रनिंग बिटे विकेट के साथ यहाँ पे रन बनते हुए। इस मैच को अगर देखा जाए तो बड़े हिट की जरूरत है, चौको छक्को में बरसात करनी होगी। मैच को जीतना है तो गौरव को एक अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी, यादगार पारी खेलनी पड़ेगी। शॉट वहां पे फाइनल के दौरान गेंद वहां पे ट्रैवल होते हैं, दो रन, दो रनों का इजाफा। शॉट गौरव द्वारा पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर वहां पे मौजूद है। अच्छा शॉट वहां पे, गेंद के पीछे फील्डर रोकने का प्रयास, और यहाँ पे दो रन काफी आसानी के साथ। सागर की बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में, काफी अच्छी बैटिंग सागर ने की, अब गेंदबाजी भी काफी अच्छी कर रहे, काफी बढ़िया गेंदबाजी सागर द्वारा। बैट का किनारा विकेट कीपर के सिर के ऊपर से गेंद पास होते हुए, अच्छी फील्डिंग वहां पे एमएस द्वारा, काफी बढ़िया फील्डिंग।
ओहो, काफी देर के बाद पाड़ा वॉरियर के लिए बड़ा हिट 6 रन। बॉलर्स नेम मनीष। मनीष की पहली गेंद, अंपायर का इशारा देखते क्या है। व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल अंपायर द्वारा। हवा में गेंद, फील्डर सनी काफी दूर से गेंद तक पहुंचने का प्रयास। 2 रन यहां पे आसानी के साथ बनते हुए। अब नए बल्लेबाज मैदान में आ रहे अनूप। और एक विकेट, बल्लेबाज आउट। फील्डर नेम नए बल्लेबाज ऋषभ मैदान में आ चुके हैं। अब
अच्छा शॉट, गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर, रन मिलेंगे चार। फोर्टी थ्री रन छह ओवर के बाद, 43। सचिन, सचिन ने काफी बढ़िया बैटिंग की थी इस मैच में, अब गेंदबाजी करने आए सचिन। शॉट वहां पे, गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर, चार रन। बीस गेंदों में 86 रनों की जरूरत है अभी भी मैच को जीतने के लिए, तकरीबन हर ओवर में 25 रन बनाने जरूरी हो गए। फिफ्टी टू रन, वहां में गेंद, वहां पे फील्डर काफी दूर, गेंद जारी बाउंड्री के बाहर, चार रन। छप्पन रन, 57, सात ओवर के बाद 57, 18 गेंदे बाकी है, 18 गेंदों में बनाने 77।
63 बारह गेंदों में 71 रन। चौसष्ट रन स्कोरबोर्ड वरती पूर्ण होत आहेत। नो बॉल 67 रन बन चुके। अभी भी 67 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए, लेकिन गेंदें बाकी है सिर्फ 11 रन बनाने। 67 हर गेंद को बाउंड्री के बाहर खेलना पड़ेगा। डॉट बॉल डॉट बॉल। बाकी 10 गेंदें बाकी है, 67 रन की जरूरत। इस मैच को अभी एक चमत्कार ही बचा सकता है। फिर से एक बार डॉट बॉल। सचिन की बढ़िया गेंदबाजी। सचिन ने आज सेमीफाइनल में जो खेल खेला है, अपनी टीम को फाइनल में ले जाने वाला खेल था। कल थोड़ी गलतियां की थी सचिन ने कैच के लिए, लेकिन आज पूरी तरह से गलतियों को सवार दिया सचिन ने। आज काफी बढ़िया गेंदबाजी सचिन द्वारा। हमें गेंद फील्डर काफी दूर है।
74 धाव धावपळ कधी 5 चेंडू शिल्लक आहेत शेवटचे। आणि और इसी के साथ फाइनल में पहुंच रही है इसरो हार्डवेयर टीम पहुंच रही है फाइनल में। वो गेंद लेके आ जाइए, बॉल बॉल घेऊन्या, तो बॉल घेऊन्या फील्डर, तो बॉल घेऊन्या करण दादा, बॉल घेऊन्यायचा आहे तो।